जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सबकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए। आप मुझसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी आप लगन की बात करते हो, आप राशियों के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हो। तो आज मैं सबसे पहले राशियों के बारे में ही बोलना पसंद करता हूं। कैसे होते हैं वृषभ राशि वाले, क्या व्यक्तित्व तो है, क्या खासियत है वृषभ राशि वालों की। तो आज जो हमारी चर्चा है उसका मेन फोकस राशियों का, कैसे होता है इनका व्यक्तित्व तो? कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी, कैसा होता है इनका चाल चरित्र कर्म और क्या होती है इनकी खासियत, उन सब की चर्चा है। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका फायदा जो आपको होने वाला है वो ये होने वाला है कि गलती से अगर आपको अपना जन्म की समय, जन्म की तारीख या जन्म की राशि पता नहीं है तो अपनी व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी इन खासियतों के आधार पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके आधार पर बहुत आसानी से आपको पता चल सकता है कि आप किस राशि के हो। तो आज की इस चर्चा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है उसका केंद्र बिंदु है हमारी 12 राशियां और उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र। तो हम इन सब के बारे में चर्चा कर प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे एक और चीज के बारे में। हमें बार बार शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारा राशिफल बता दो, गुरुजी हमारी राशि क्या है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे जब आपसे कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के इस आइकन को दबाएंगे, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया तो दोबारा से वो हमारे बेल के आइकन को अवश्य दबाएं हमारे चैनल पर जाकर। तो निश्चित रूप से जब जब हमारा या गुरु रुक्मणी का या स्वामी राज ऋषि का रोजाना का राशिफल, जो वो रोजाना राशिफल देते हैं, वो आपको अपने आप उसकी नोटिफिकेशन यानी उसके रिलीज होने की सूचना कि आज इतने बजे रिलीज हुआ है, जैसे ही वो रिलीज होगा आपके पास सूचना आ जाएगी और आप उसे अपनी फुर्सत के अनुसार उसको देख सकते हैं। हमारे आज तक आपको 3000 से अधिक वीडियो विभिन्न धार्मिक विषयों पर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और हमारा जो मेन फोकस है आपको अपने ज्ञान के द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का है। कोई हम आपको किसी भी प्रकार की पूजा के लिए या पूजा के नाम पर होने वाली लूटपाट के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि हम जो कंसल्टेशन के लिए बहुत छोटी सी फीस जो आपसे ली गई है उसका इतना सदुपयोग होता है कि सबसे पहले तो वो कंसल्टेशन की फीस हमारे यहाँ जो है किसी को निजी रूप से नहीं दी जाती, उसका जो उपयोग है पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, प्रसाद वितरण में और विभिन्न जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, जैसे हमारे द्वारा जो गरीब बच्चियों के लिए कंप्यूटर के कोर्स चलाए जाते हैं और उनके स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है उसमें भी उनका उपयोग होता है। तो आपके द्वारा जो हमें एक जो बहुत मामूली सी फीस हमें रखी हुई है उसका 1 रुपया भी हम अपने और अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च नहीं करते हैं, तो आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा भी आप जो हमसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी फिर आप इस पैसे का उपयोग क्या करते हैं, तो हमने आपको बता रहे हैं हमारा ये मेन उपयोग है। इसके अलावा भी आप जो हमें कंसल्टेशन के नाम पर या हम कंसल्टेशन की बात करने के कारण जो हमें पैसा देते हैं वो मेन काम तो उसका पूजा में इस्तेमाल होता है, वो आपके लिए हम निश्चित रूप से अगले दिन पूजा करते हैं। अगर आज आपने हमसे ये कंसल्टेशन ली है तो निश्चित रूप से दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन कल हम आपके लिए भगवान से अवश्य पूजा और प्रार्थना करेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। और ऐसा हम उस दिन से करते चले आ रहे हैं जिस दिन से हम इस धर्म की लाइन में प्रवेश किया है हमने। तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा यहां पर सदुपयोग होता है, उसका किसी भी रूप में
कोई भी दुरुपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, हमारे जो स्वामी राज ऋषि जी हैं, उन्होंने आप सबके लिए अपनी पढ़ाई के बीच में से, जो वो एमटेक कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, बहुत रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से आपके लिए रोजाना का एक समय फिक्स किया है, उसमें वो आपके लिए डेली का राशिफल, आज का राशिफल, आपके सितारे रोजाना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ में बहुत जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वीडियो कॉल भी स्वामी राज ऋषि से बुक की जा रही है। आप चाहें स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके या वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपनी वीडियो कॉल, चाहे वो आप हमसे बात करना चाहते हैं या गुरु मुनि से बात करना चाहते हैं या स्वामी राज ऋषि जी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो कॉल बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे, हमने पिछले 2 हफ्ते से संडे के दिन जितने भी मोबाइल फोन है उनको उठाना बंद कर दिया है, तो कृपया आप जब भी कॉल करें हमें, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कॉल करिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी कॉल निश्चित रूप से उठाई जाएगी उस पीरियड में। लेकिन अगर आपको कॉल बिजी लग रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने आपको 5 नंबर दिए हुए वीडियो कॉल करने के लिए, इन 5ों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इतनी कॉल्स आती हैं कि बार बार फोन एंगेज आता है, ऐसी भी आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पर हम कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हमें इन में से नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है, तो निश्चित रूप से उसके व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। और जो व्यक्ति पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं संडे के दिन, बाकी किसी दिन करीब भी कर सकते हैं लेकिन स्पेशली संडे के दिन ही टाइम लेकर मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनको केवल और केवल हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर 11 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राशियों की व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह की राशि वाले लोगों का किस तरह का व्यक्तित्व होता है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली चर्चा है वह वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का चाल, चरित्र, क्रियाकलाप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप अपने आप को कि आप वृषभ राशि वाले हैं। इसके पहचानने के लिए आप एक एक बात को हमारी इस वीडियो के दौरान आखिरी तक सुनते रहिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को पहचान सकें और आप निर्धारित कर सकें कि आपकी राशि क्या है। आप स्वतः ही आप अपनी राशि को निर्धारित कर सकते हैं इस व्यक्तित्व के द्वारा, जो आज हम आपको इन राशि के व्यक्तित्व के बारे में आपको खास बातें बताने जा रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, कैसे होते हैं वृष राशि वाले व्यक्ति, कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। तो आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि वृष राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, इन व्यक्तियों में बैल के गुण पाए जाते हैं। गुण हैं तो अवगुण भी जरूर होंगे, यानी अगर बैल अड़ गया तो अड़ गया, इनकी सबसे पहली पहचान है। अगर ये किसी बात पर अड़ गए तो अड़ जाते हैं बैल की तरीके से। जैसे जो वृष राशि वाले व्यक्ति हैं, शांत, धैर्यवान, मेहनती और काम में लगे रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें लंबे समय तक काम करने की शक्ति होती है यह गुण। इसी गुण के कारण इन्हें वृषभ राशि वाले व्यक्ति कहा जाता है, यानी बैल की तरीके से निरंतर काम करते रहने की शक्ति भगवान ने इनको प्रदान की है। थकते नहीं है, नॉर्मली इनको क्रोध भी नहीं आता, शांत स्वभाव का होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, तो इनको क्रोध नहीं आता है। लेकिन जब क्रोध आता है तब तक बना रहता है जब तक ये परिस्थितियों को अपने अनुकूल न बना ले, यानी उस क्रोध को शांत होने के लिए जब तक इनके मन के माफिक बातें नहीं हो जाती तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होता है। सपोज कीजिए इनको अगर अपने शत्रुओं पर क्रोध आए तो उससे ये वर्षों, महीनों, सालों, यानी दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक उससे लड़ सकते हैं जब तक कि ये उसे जीत ना जाए। नॉर्मली देखा गया है वृष राशि वाले व्यक्ति फिजूल खर्च नहीं होते और इनको
धन संग्रह करने की, पैसा इकट्ठा करने की, जमा करने की आदतें होती हैं। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है, इनकी जमीन जायदाद बढ़ते चले जाते हैं, इनको पैतृक संपत्ति भी अवश्य प्राप्त होती है और अचानक धन लाभ भी होता है। शुक्र देवता की राशि है भाइयों, शुक्र देवता तो लक्ष्मी जी के अधिपति हैं, कोई कमी नहीं है शुक्र देवता की, पर लक्ष्मी की। अब लक्ष्मी किसको देंगे शुक्र देवता? अपने प्रिय को, अपनी राशि को। उनकी राशियां दो हैं, एक वृषभ राशि एक तुला राशि, मीन रूप से उनको देते हैं या फिर उनको देंगे जिनके भाग्य में बैठे हो, जिनके सिर पर बैठे हो, जिनकी इनकम में बैठे हो या कर्म में बैठे हो, तो उनको भी तुला राशि मतलब शुक्र देवता धन प्रदान अवश्य करते हैं। मगर जो वृषभ राशि वाले लोग हैं, टॉरस राशि वाले जो लोग हैं, इनको षड्यंत्र पूर्वक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए इन्हें कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मित्रों और साथियों के साथ के कारण ये विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनके मित्र नॉर्मली इनका साथ देते हैं। नॉर्मली देखा गया है वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, और जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। ये बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर बात है वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। ऑफिस में इन राशि के अफसरों से, इन राशि के कर्मचारियों से काम कराने में कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं आती, बड़े खुश मिजाज होते हैं, आराम से उनसे काम कराया जा सकता है। छोटी मोटी गलतियां अगर इनसे काम इन काम में होती थी जिसको महत्व तो नहीं देते, और अगर आप इनके अधीन काम कर रहे हैं और आप गलतियां करते हैं तो छोटी मोटी गलतियों को ये नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही गलतियां आप लगातार करते चले जाएंगे तो अब आपकी नौकरी को कोई नहीं बचा सकता इनसे। ये बहुत कठोर निर्णय लेकर अच्छे बुरे का परवाह ना करते हुए आपको चुपचाप नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। कर्मचारी के रूप में ये व्यक्ति बहुत ही लाभदायक होते हैं कंपनी के लिए, लक्की भी होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, तो कंपनी के लिए तो इस तरह के व्यक्ति बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये लोग बैल की तरीके से काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और सुचारू ढंग से मेहनत के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं। वृष राशि वाले व्यक्तियों को फील्ड वाला जॉब या सेल्समैनशिप जॉब वाला जॉब बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि यह लोग घूमने फिरने की बजाय ऑफिस में बैठकर काम करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। अगर आप अपने ऑफिस के अंदर वृषभ राशि वाली औरतों को अपना सेक्रेटरी या अपना कर्मचारी नियुक्त करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो जब भी आपको मौका मिले तो वृषभ राशि वाले कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में अपने कार्यस्थल पर अवश्य रखें। ये स्त्रियां मिलनसार होती हैं, परंतु आप इनसे फ्लर्ट नहीं कर सकते आसानी से, और यह लोग जब तक प्रणय संबंधों में आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक इनको निश्चित ना हो जाए कि आप उनसे शादी नहीं करेंगे, कोई शादी करेंगे, उन्हीं लोगों से ये प्रणय संबंधों में आगे बढ़ते हैं जब इनको विश्वास हो जाए कि इस व्यक्ति के साथ उनकी शादी हो सकती है। हालांकि जो देखने में आता है शुक्र जो वृषभ राशि है, यह लोग विपरीत सेक्स के लोगों में बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, यानी अगर वृषभ राशि के पुरुष हैं वो स्त्रियों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, अगर स्त्री है तो वे पुरुषों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। लेकिन चाहे वो स्त्री हो वृषभ राशि की या वृषभ राशि का पुरुष हो, वो अपने घर में भी बहुत रुचि लेते हैं और शादी के बाद किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से संबंध कतई नहीं रखते। ये खासियत है वृषभ राशि वालों आदमियों की और औरतों की। इनका मेन फोकस अपने घर के रखरखाव, अपने बच्चे और उनके कैरियर के प्रति लगातार बना रहता है। नॉर्मली देखा गया है वृषभ राशि वाले लोग उत्तम घर के, उत्तम भोजन के और उत्तम बच्चों के शौकीन होते हैं। यह लोग सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, फाइनेंसर, अकाउंटेंट, बैंकर, दलाल, प्रॉपर्टी एजेंट, अभिनेता, गायक, ज्वेलर, आर्किटेक्ट,
और कलात्मक वस्तुओं के विक्रेता बनते हैं। व्हाइट गुड्स के भी ये लोग मालिक होते हैं। व्हाइट गुड्स में देखिए टेलीविजन आ गया, फ्रिज आ गया, एसी आ गया, उस तरह का व्यापार या उस तरह के कामों में भी इनकी बहुत ज्यादा रुचि रहती है। कार हो गई, बाइक्स हो गई, स्कूटर्स हो गए। यह लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वृषभ राशि वाले लोग ऑर्थोडॉक्स कहे जाते हैं और थोड़ा आराम पसंद भी होते हैं। मेहनत करने के बाद हर एक व्यक्ति का शरीर आराम मांगता है, तो यह लोग भी आराम पसंद होते हैं। लेकिन यह लोग, इनके एक और जो वीक पॉइंट है, ये जोखिम में यकीन नहीं रखते। कोई रिस्क का काम हो तो यह करने से मना कर देते हैं। रिस्की किसी भी काम में ना तो ये हाथ डालना पसंद करते हैं, ना उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस करते हैं। यह वृषभ राशि वाली व्यक्तियों की का व्यक्तित्व और उनके बारे में उपलब्ध सारी जानकारी। जय शनिदेव।